लोकसभा चुनाव में हिमाचल में कांग्रेस को मिली सबसे बड़ी हार के बाद कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम पर अहम से भरे होने का आरोप लगाया है और उन्हें जीत के उन्माद में ऐसी बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दे डाली। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री जयराम के बयान की निंदा की है और कहा कि देश भर में जो अप्रत्याशित नतीजे आए हैं वे मोदी की बदौलत आए हैं। ये जीत राम जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रत्याशियों की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की है। चलिए आगे देखते हैं कुलदीप राठौर ने अपने संबोधन में आगे क्या कहा। देखिए, पहले तो हमने इस हार को शालीनता से स्वीकार किया। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने दिल्ली में जो है अपनी हार को सहर्ष स्वीकार किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता सबसे निवेदन करते हैं कि संयम बनाए रखें, एक दूसरे पे दोषारोपण ना करें। ये समय इकट्ठे रहने का है, ये समय पार्टी के साथ और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ इकट्ठे होकर खड़े रहने का। रही मुख्यमंत्री जी की बात कि मुख्यमंत्री जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं ना कहीं उसमें उनका अहम नज़र आया। हम उनको बधाई देते हैं कि हिमाचल में उनकी जीत हुई है, प्रत्याशी जीत हुई है, जिसका ना तो उनको भरोसा था ना हमको इतनी उम्मीद थी। लेकिन उनका ये कहना कि कांग्रेस पार्टी विहीन देश होना चाहिए या कांग्रेस पार्टी को जो है गांधी मुक्त पार्टी बनानी चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे उनमें इस बयान में एक उनकी जो अधिनायकवादी सोच है वो इंगित हुई है। जहाँ सत्ता पक्ष का स्थान है वहाँ देश में विपक्ष का भी स्थान है, बगैर विपक्ष के देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता। रही कांग्रेस पार्टी को जो गांधी परिवार है उनको अलग करना है नहीं करना है, ये बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती, ये हमारे अपने परिवार का मामला है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जीत है, इस जीत में अगर अहम भूमिका रही है प्रधानमंत्री मोदी की रही है, ना तो उसमें कहीं जयराम नजर आए, ना पार्टी का कोई दूसरा नेता नजर आया, ना प्रत्याशी के नाम पे वोट मांगे गए। आज मैं वही आरोप भारतीय जनता पार्टी या इनसे जुड़े संगठन पे लगाना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है एक व्यक्ति के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है कि हम जल्दी ही अपनी हार की समीक्षा करने वाले हैं। मैंने पार्टी के चारों प्रत्याशियों को खुद स्वयं फोन करके और उन्हें पत्र लिखा है और उनसे जानकारी मांगी है। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे पर्यवेक्षक हैं वो भी अपने अपने तौर पे जो है पार्टी को रिपोर्ट देंगे। उसके बाद संगठन में की रूपरेखा क्या होगी वो उस रिपोर्ट के बाद जो है तय किया जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी किसी भी पार्टी के नेता को जो है अखबार में या सोशल मीडिया में नहीं जाना चाहिए और हम तमाम जानकारी जुटा के जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को जो है रोज की रोज सूचना दे रहे हैं। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।